वापस लेके आ सकते हैं। डॉक्टर पीयूष प्रभात, ऑन बिहाफ ऑफ स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप जोत, विद मी इज डॉक्टर सौरव रंजन, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट। सबसे पहले तो डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर संदीप, यू बोथ आर माय मेंटर्स एंड फाइनली मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला। आई गॉट अ चांस टू स्पीक ओवर हियर, दैट इज रियली अ फॉर्चून फॉर मी। तो सबसे फॉर्चून पहले डॉक्टर मैं पीयूष, थैंक यू इट्स सर, आर प्रेजर फॉर्चून। इज माइंड। ओके, इतने बड़े ऑडियंस के सामने आपने मुझे चांस दिया कि मैं इनको ट्रांसफॉर्म कर सकूं और दिल की बातें कह सकूं, बिकॉज ऑन यूट्यूब आई एम शेयरिंग, आई एम कनेक्टेड टू सम पीपल्स, आई एम मेंटरिंग पीपल, तो वहां पे बहुत ही लिमिटेड कम्युनिकेशन, आई एम नॉट एबल टू शेयर माई हार्ट। बट ये एक ऐसा मंच है जहां पे कि मैं अपने दिल की बातें बता सकता हूँ, जो मेरा मैसेज है उसको मैं क्लियरली रख सकता हूँ। इसके लिए रियली आई एम थैंकफुल। तो आई वेलकम यू ऑल, जितने भी हमारी ऑडियंस हैं। आज का सेशन जो है 40-45 मिनट्स का, बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा इसको। दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिक सेशन। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि योर ट्रू पोटेंशियल, इंसान की सबसे बड़ी जो रिग्रेट होती है, जो उसको कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो है नॉट लिविंग हिज और हर ट्रू पोटेंशियल। हम सब में एक क्षमता है कि हम एक जीनियस बने, जिस फील्ड में भी हम काम करें उस फील्ड में एक्सेप्शनल बने, उस फील्ड के एक हीरो बने, उस फील्ड के एक रोल मॉडल बने, उस फील्ड के एक चैंपियन बने। हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस दुनिया को कुछ देकर जाएं, दुनिया को कुछ ऐसा दें कि दुनिया वाव कहे, एक्सेप्शनल चीजें हम क्रिएट करें, हम कुछ ऐसा करें कि अपने आने वाली जो लीगेसी है, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उसको एक मैसेज दें, नॉट बाई वर्ड्स बट ऑल्सो बाई आवर एक्शन। उसके अलावा हम पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो ऊपर हैं, आई बिलीव आई स्टार्टेड फ्रॉम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, डॉक्टर सौरभ नोज दिस फील्ड, ही इज कनेक्टेड टू मी फॉर मोर देन 17-18 ईयर्स आई थिंक। सो व्हाट इज द मेन थिंग कि वो भी ऊपर हैं हमारे, एंड दे आर वॉचिंग अस एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अलॉट फ्रॉम अस। हर पेरेंट्स का ये ड्रीम होता है कि उनका बेटा या उनकी बेटी उनको डिफीट कर दे। ही वॉन्ट्स टू बी डिफीटेड, वो हारने के लिए तैयार है। लेकिन हम जब तक डरते रहेंगे, जब तक हम छुपते रहेंगे, तब तक हम लाइफ में कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज थी जो कि मेरी लाइफ को इंस्पायर करती थी, यही है जो कि मेरे लाइफ की एक बर्निंग डिजायर है, एक ऑब्सेशन है अब, कि मैं दुनिया को कुछ ऐसा देना चाहता हूं कि दुनिया एक बेहतर प्लेस बने। डे बिफोर यस्टरडे आई वाज स्पीकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जहां मेरे से पूछा गया कि व्हाट इज योर पर्पस, या फिर लाइफ में किसी का पर्पस क्या है, वो कैसे ढूंढे। तो मैंने बोला कि सबका पर्पस एक ही होता है, एंड द पर्पस इज मेक दिस प्लैनेट अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव। बट हाउ दैट इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। कोई एक अच्छी किताब लिख सकता है, कोई एक ऐसे म्यूजिक का पीस बना सकता है जिससे कि पूरी दुनिया अमेज्ड हो जाए। व्हाट मोहम्मद रफी डिड, 15-20 साल का रियाज था उनका, और उस रियाज को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक पे फोकस किया, और उसके बाद जब वो गाना गाना उन्होंने स्टार्ट किया, या फिर कुछ अपना कंपोजिशन जब दुनिया के सामने रखा, तो दुनिया आश्चर्यचकित हो गई, वो रुक नहीं पाई। I love this quotation when somebody says ki become so 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 good that no one can ignore you and you have all the capabilities. Is aane wale jo abhi 45 minutes hai, maine notes bana liye hain mujhe kya bolna hai, because if I go on speaking mujhe khud hi nahi pata hai, mujhe raat mein agar koi kahe ki bol do to fir it's obsession. So I will be very concise, very focused. In the meantime, if there is any question or if I deviate from the path, so you two can definitely put me on track. Definitely, I will not mind anything. I want people to take maximum value from this session. So are you ready for it? I want to check, are you really engaged or not? Please type Y, yes. डॉक्टर पीयूष, कैन वी से दैट इट इज लाइक महात्मा गांधी जैसे कहते हैं, माय लाइफ इज माय मैसेज। या दैट्स ट्रू। सो यू एक्चुअली ट्रिगर्ड मी अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई विल टेल अ स्टोरी, यू नो वी बोथ नो दिस स्टोरी, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली कि कैसे ये सारी चीजें आई और कैसे इसमें फायर हुआ। क्योंकि इस स्टोरी से अगर आप कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम,
तो हम भी अपने अंदर के स्पार्क को, अपने अंदर के फायर को, अपनी आंखों में जो ग्लिम्स है, जो ग्लो है, उसको वी कैन रीगेन। जो हमारे फायरिंग बेली है, जिसको भी हम कहते हैं, जो कि हमारा इंस्पिरेशन है, दैट वी कैन ब्रिंग फोर्थ टू द वर्ल्ड एंड हेल्प लॉट ऑफ पीपल। तो चलिए मैं स्टोरी अपनी शेयर करता हूँ। दिस इज द स्टोरी ऑफ 2009 व्हेन आई फेल इन गाइनी, यू नो दिस फैक्ट। एंड उसी टाइम पे मेरे लाइफ में आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप भी टूट चुका था वहां पे, MBBS का फाइनल ईयर था, और आई वॉज इन लॉट ऑफ पेन क्योंकि सारे लोग पास हो गए थे इंक्लूडिंग डॉक्टर सौरभ, एंड आई वॉज द ओनली स्टूडेंट हु फेल इन द एग्जामिनेशन। तो आई हैड लॉट ऑफ टाइम टू बी इन सॉलिट्यूड, एंड यू कैन से कि माई माइंड वॉज ड्रेस्टिकली निगेटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस समय मेरे माइंड में सुसाइडल थॉट्स भी थे कुछ। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू ऑल, बिकॉज फ्रॉम देयर आई मेड द ट्रांजिशन। तो आई वॉज रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, और कहते हैं कि जब इंसान मरने वाला होता है या फिर अपने बैड मोमेंट में होता है, पूरी लाइफ का फ्लैश बैक होता है। द सेम फ्लैश बैक वॉज हैपनिंग बिफोर माई आईज कि मैं जिंदगी में आखिर कर क्या रहा हूँ, दिस लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। और उस समय मेरे माइंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था वो यही था, महात्मा गांधी का कोट जो मैंने पढ़ा था कि इफ माई लाइफ इज माई मैसेज, देन वॉट मैसेज एम आई एक्चुअली क्राफ्टिंग टू द वर्ल्ड। इफ माई लाइफ, नॉट माई वर्ड्स, नॉट माई राइटिंग्स, नॉट वॉट आई शो टू द वर्ल्ड, इफ माई लाइफ इज विजिबल टू एवरीबडी, इट इज सो ट्रांसपेरेंट दैट एनीबडी हु वांट्स हू कैन सी इट, इफ दैट इज माई मैसेज, वॉट मैसेज इज इट एक्चुअली गिविंग टू द वर्ल्ड। And second question that was coming to my mind is, as you told Robin Sharma, I am a fan of Robin Sharma, unki kitab padhi thi maine, who will cry when you die? Because lot of persons live for themselves. A book of 100 chapters. Yeah, that's true. I have read it 10 times. So, who will cry when you die? So, that was the message actually coming to my mind again and again, ki who is going to cry if I die? Today, nobody will cry. My mother, maybe my father, maybe my sister, maybe my friend, somebody can cry for some time, but after that everything will be settled. And why this is so? Because no, I have not added value to someone's life. I have not created a life which is worth missing. I have not contributed something, not contributed some bricks to the building of humanity. And that thought was again hitting my mind like anything. There was a massive turmoil. And in many a times, miracle happens. Some challenges come to your life. This is very true because Dr. Saurabh is the witness. He knows everything. After that, I send it for retotaling. And in the retotaling, what happened, Dr. Saurabh? I was declared pass. So it was just a divine game to open the deep insight. But that was the most awakening moment of my life. And second thing was ki, what is the message that my life is giving? And I was thinking कि जब मेरे बच्चे थे, जब when I was a kid means in 2004 when I entered medical field, तो बहुत सारे जब भी मैं गांव जाता था, parents अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आते थे ये कहने के लिए कि आप इनको थोड़ा guide करो, इनको भी doctor बनना है, government college में seat लेनी है, कैसे ये पढ़ें। मैंने कहा कि आज अगर मैं suicide कर लेता हूँ या फिर if I fail from here anything, तो क्या होगा, what message will I give from my life? He being a doctor, he was a failure. He was successful for the whole world, but he couldn't manage his emotions, he couldn't manage his own thoughts, and he couldn't manage his own life. And that is what the secret of many lives. They are living like that only. They are living as victims. वो सोचते हैं कि कल का दिन कुछ अच्छा हो जाएगा या परसों कुछ चमत्कार होगा, and I will be at a better station, I will be at a better place. Nothing is going to happen. In this life, you have to earn everything. Even a piece of bread, you have to earn. So that is what this all session is going to happen. This was the most transformational journey of my life because here many insights came. And after that, I started self-exploration a lot and more deeply. And that led to many insights. And through those insights, I'm able to help many peoples. Now my voice is heard. Recently I was searching for the data. I was looking at the data. In 30 countries, my voice is continuously being heard. I have my clientele from Dubai to America,
to Hindi speaking, obviously, countries, Bangladesh and all those countries, and I'm serving them. It is not about money. It's all about service. Because if you just care for service, money comes automatically following you. But if you focus on money, nothing happens. So this is the rule of life that I am following right now. So in this short session, in this short masterclass or workshop, what I basically intend to do is, number one, what you are going to learn is how to curb or how to dissolve anxiety, stress, depression, and negative emotions. Because neuroscience research says, whenever you are in the state of negative emotions, in that state, your most productive part, that is neocortex, that shuts down. And that shutting down itself means there is no creative idea, there is no productivity, there is no inspiration, and you are nothing but dead. Second thing is, if these emotions, these negativity live in your mind on a regular basis, then they create a permanent neurological shift to your brain. And then what happens? You are already dead. Because that is the only reason people don't want to try something big. They are not inspired in anything. They are very superficial because they don't want to go deep. Their own identity says that no, you are not capable. You can't do anything. And that's why they are not able to achieve. So I will break this myth today. And if you can take even one point from this workshop, I'm dead sure that you will be able to transform your life. So this is the number one. Second, I will speak on the common myth. Why people are not able to play their best game? Why they are not working at their best? Why their potential is never expressed fully? Agar time mila, to uske alawa main ispe bhi baat karunga ki how to know your heart's deepest desire and become unstoppable. If you see the geniuses, even Robin Sharma or Elon Musk or Steve Jobs or even Mahatma Gandhi, what they had a vision. The worst thing in life is if you have eyesight, but if you don't have a vision. And this is lacking in today's world. Because Martin Luther King was saying ki the worst thing is jo hamare life mein hota hai, we don't have something to die for. And if you can't die for something, you are not worth living. So hum kis cheez ke liye apne life mein stand kar rahe hain, hame aaj ye nahi pata. Hum ek ghode pe baithe hain aur koi poochne se pooch lo. So this is our situation. Today we don't know where we are going, and until we have a GPS for our life, am I audible? Yeah, voice is coming clearly. Yeah, Piyush, you are audible. Okay. Yes. Okay. So what is next is what Martin Luther King was saying is that if you can't die for something, you are not worth living. So you must know what for are you standing? What is your inner urge? What is your inner music? So I will work on goal setting, because in today's world, the goal setting is the most raped word. I'm sorry to use this word, but this has been misused by many motivational speakers and all those persons. What we are actually doing is we are collecting all the garbages and noise from our parents, from our teachers, and we are making it our inner voice. So what is the problem in this? We are getting the Audi car, we are getting good jobs, we are getting everything and money. But what is happening? We are also increasing our frustration, our depression. We are not happy. We are successful for the world, but we are a failure for ourselves. Because we have listened to everything except our own music, music of our own heart. We are not loyal to the inner child that is sitting within our heart. That is sitting within our mind and our body. So it is also our responsibility not to please the world, but to please our heart also, the inner child that is sitting within all of us. So you must be knowing the concept of inner child. You all are therapists and inner child therapists. So I'm very sorry. Dr. Piyush, हमारे साथ कई सारे नए लोग भी जुड़े हैं। तो इस तरह से आप सेशन को लीड करें कि नए लोगों को भी समझ में बात आ जाए। Inner child may be a new concept for many people. So, yes.
तो ठीक है, हमारे अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, हमें उसको भी खुश करना है, सिंपल, टू बी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बिकॉज आई विल बी सिंपलर बिकॉज आई हैव लॉट टू शेयर एंड टाइम इज रियली लेस, और मैं चाहूंगा कि इसको वाइंड अप करना है, 12 o'clock वी हैव टू वाइंड अप, ओके, सो आई विल गो फास्ट इफ यू ऑल अलाउ, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल विद मी, प्लीज टाइप वाई, यस, वेरी फास्ट. Okay, very good. Now, let's start. First, I will break your myth. Do you know what really prevents you from playing your best game? What really prevents you from moving at the speed of 120? The thing is, I'm telling you my research. I'm not telling anything philosophical. I don't quote anything that is philosophy, but everything that is based on science, evidences, and the research. So, it has been seen that people have some limitations. As we grow, as we are child, then we have lot of energy, lot of power. We have sparkle in our eyes. Even if somebody tells, are you ready to go to moon? A child will say, yes, I'm ready. Why so? Because he doesn't believe in limitations. Art of Living में जब मैं था, तो वहाँ के गुरुजी ये कहते थे कि problem ये नहीं है कि बच्चे बड़े कब होंगे. Problem ये है कि हमारे बड़े बच्चे कब बनेंगे. एंड दैट इज रियली सो ट्रू, वेरी ट्रू. तो द थिंग इज कि इन द मीन टाइम आवर एडल्ट्स, हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने हमें ये कन्विंस कर दिया. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट मी टू टॉक इन इंग्लिश एंड हाउ मेनी ऑफ यू इन हिंदी? डॉक्टर संदीप, व्हाट इज द प्रेफर्ड लैंग्वेज? इट कैन बी मिक्स्ड, डॉक्टर पीयूष, इट कैन बी मिक्स्ड. ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. So, what is this? Means कि हम अपने ड्रीम्स को धीरे धीरे मारने लगते हैं. We start settling for something small. We try to go for secure things. और जो दुनिया की सबसे बड़ी deteriorating force है वो है the addiction of security, the obsession for security, कि मुझे secure होना है. And this is killing our dreams. This is killing our potential. I am going to give you today the scientific evidences, जो कि क्या कहती हैं. Scientific evidences says कि a genius or an expert और जो भी peak potential वाले होते हैं, it is not about your birth, it is not about your IQ, it's not about your genes, it's not about your muscle strength. It's all about something else. What is it that I'm going to share right now? So, Dr. Piyush, be excited for this. Dr. Piyush, until you are not feeling anything. Yes. Yes. Dr. Piyush, आपका bandwidth थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से आपकी कुछ कीमती बातें हम miss कर रहे हैं. So it will be great अगर आपको जो bandwidth है, you can increase that कुछ signal के लिए. Definitely. So. ठीक है सर, ओके, राइट नाउ इट इज ओके, आई थिंक इट्स गुड. यस यस, सो समटाइम दिस हैपेंस. सो बिकमिंग अ पीक पोटेंशियल, बिकमिंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी, बिकमिंग नंबर वन, नॉट इवन नंबर वन, बट अ लेजेंड इन योर फील्ड, दैट रिक्वायर्स समथिंग एल्स, दैट रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन योर माइंडसेट, अ शिफ्ट इन योर थिंकिंग, अ शिफ्ट in your limitations, in your belief in limitations. जब तक हम limitations में believe करते रहेंगे कि हम इसी के capable हैं, हमारा mind उतना ही action लेगा जिससे कि हमें वहां पहुंचा सके. पर अभी मैं इसका neuroscience की जो study की गई, recent study, 3-4 साल पहले की study है, वो मैं आपको share करने वाला हूँ. हमारे brain में 80 billion cells हैं. You can say around 1 trillion cells are there. ठीक है, डेटा चेंज करते रहते हैं क्योंकि एग्जैक्ट न्यूरॉन्स को हम काउंट नहीं कर सकते. और हर किसी में ये कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. चलो कांस्टेंट नहीं, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है भी, बट उसके अलावा भी हम सिर्फ अपने ब्रेन का 8-10% पार्ट एक्टिवली यूज करते हैं. तो मान लो कि अगर किसी में 10 मिलियन सेल्स कम भी हैं, अगर वो अपने कैपेसिटी को बढ़ाता है
तो ही कैन अगेन इंक्रीज हिज गेन. सो दिस इज द नंबर वन थिंग कि दिस इज ब्रेन्स पावर विच इज इक्वली गिवन टू अस. नाउ सेकेंड थिंग जो कि इसको बताता है रिसर्च जो की गई साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो रिसर्च ये कहती है कि जो हमारी पोटेंशियल को बढ़ाता है, जो नंबर वन थिंग है, वो है हमारा इन्वायरमेंट. क्योंकि जिस इन्वायरमेंट पे हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उन लोगों के पैटर्न को अपने अंदर कॉपी कर लेते हैं. हमारे बॉडी में क्रोमोसोम 12 है. 12 नंबर के क्रोमोसोम पे जो जीन्स कोड करते हैं वो है मिरर न्यूरॉन्स. दीज मिरर न्यूरॉन्स हैव अ वेरी पिकुलियर प्रॉपर्टी. दे कॉपी हैबिट्स, बिलीव्स एंड थॉट पैटर्न्स फ्रॉम द पर्संस कॉमनली लिव विद. तो जिस तरह के हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस तरह की बातों को हम सुनते हैं, क्योंकि बचपन में जिन पेरेंट्स के साथ हम रहे उनके बिलीव्स भी ऑलमोस्ट लिमिटिंग ही होते हैं, और वो लिमिटेशन हम अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके कारण वी लूज एवरीथिंग. नाउ अगर प्रोग्रामिंग हो चुकी है तो प्रोग्रामिंग टूटेगी कैसे? हम तो यही समझ के स्टक हो जाते हैं कि चलो अब तो किस्मत ने पेरेंट्स को दे दिया, बात तो यही खत्म हो गई. नो, here is another thing that you should understand and that you should learn is that your brain is plastic. Plastic means it can change. ये plastic है, it can change. It is moldable. जब हम अपने brain को observe करते हैं, neuroscientists ने जब इसको देखा तो उन्होंने ये देखा कि whenever we are observing our brains, जितने भी neurons हैं वो न्यूरॉन्स की जो आपस में कनेक्शन है वो सारी कनेक्शन ढीली हो जाती है. दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग ऑफ साइनेप्टिक कनेक्शन. प्रूनिंग ऑफ साइनेप्टिक कनेक्शन इट मींस दीज कनेक्शंस आर नाउ फ्रेश. ऐसा समझो कि ट्रक के बहुत सारे पार्ट्स थे, वो सारे पार्ट्स छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए. अब आप चाहो तो इसे कार भी बना सकते हो और आप चाहो तो इसे एरोप्लेन भी बना सकते हो, बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर द सेम. Now, third thing that I discovered in my practice and that I studied and that I confirmed through my experiments also is your brain is the blueprint of your life. Hum kehte hain thoughts hamare life ka blueprint hai, heart ki emotions blueprint hai, but neuroscience ke language mein agar kaha jaye, your brain is the blueprint of your life. Agar aapne apne brain ko change kar liya and there is a structural change that is visible in your brain, it means your life is definitely going to change. इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए. जो लोग बिलियनियर्स थे उनके ब्रेन को स्टडी किया गया. तो जब उनके ब्रेन को स्टडी किया गया तो देखा गया कि उनके ब्रेन में जो सर्किट्स हैं, सर्किट्स का मतलब होता है कि द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर कमिंग टुगेदर, दे आर वायरिंग एंड फायरिंग टुगेदर इन अ कॉमन सीक्वेंस, वो सेम थे. उसी तरह से जो लोग फेलियर होते हैं, फेलियर्स के भी ब्रेन के जो सर्किट्स थे, जो ब्रेन का पैटर्न था, जो ब्रेन की एक्टिविटी थी, वो मोर और लेस सेम थी. ये डिसाइड करती है ये कि हमारी लाइफ कोई भगवान डिसाइड नहीं करता है. मे बी देयर इज अ गॉड, आई बिलीव इन गॉड, देयर इज यूनिवर्सल पावर ऑलवेज, बट ही इज ऑल्सो वेरी लेजी पर्सन. मुझे तो ये लगता है कि गॉड से बड़ा लेजी कोई नहीं है. ही हैज गिवन ऑल द कंट्रोल इन आवर हैंड्स, ही क्रिएटेड द मशीनरी एंड ही गेव कंट्रोल टू योर हैंड्स. अब लो, तुम्हें जो करना है करो. If you want, you can become a king. If you want, you can become a beggar. If you want, you can become healthy. If you want, you can lose your health and lose everything from your life. So, till now, I will like to summarize in just 10 seconds. Number one thing, our brain is plastic, means it can change. I will tell you how to change it. This is all workshop is about. Second thing is that all the circuits in our brain can be changed for better. If there is poverty circuit, they can be changed for richness. If there is disease circuit, it can be changed for good health. Likewise, so we can change the circuits of our brain. And number three is that we are all provided with all the capacity, all the talents, all the abilities. And remember one philosophical words I'm saying to you, that is my quote actually. God never gives you any responsibility without giving the ability to solve that responsibility. God never gives you. वो कभी भी आपके साथ injustice नहीं करते हैं. He is always giving you everything. सारे resources आपके साथ हैं. And in this way,
through neuroplasticity and the research of neuroscience, abhi tak ye clear hai ki hum apne life ke co-creator nahi hai, balki creator hai. क्योंकि गॉड ने सीधा यही कहा है, जिस गॉड को आप मानते हो, ईसा मसीह को मानते हो, कृष्णा को मानते हो, किसी को भी मानते हो, उनका एक ही बात कहना है कि आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट रियली टू डू विद योर लाइफ. तो नाउ वी विल कम टू अनदर पार्ट दैट इज ब्लॉकिंग अस फ्रॉम प्लेइंग अवर बेस्ट गेम. सो आई एम गोइंग फास्ट. अगर मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या? ओके हैं, आप बहुत अच्छा हमें बता रहे हैं और वी आर एंजॉइंग योर सेशन. और हम तो एकदम डूबे हुए हैं कैसे हम अपने ब्रेन को न्यूरोप्लास्टिसिटी साथ चेंज कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं अपनी बीइंग को. थैंक यू सर. जस्ट टू क्रिएट सम एविडेंसेस, इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें फिलोसॉफिकल नहीं है. सर अगर आपने यूट्यूब चैनल को ही देख लें, there if you pick any video and you see the comments, you will see ki aise aise patient jo ki 6 mahine tak coma mein rahe the, jinke brain ki jo cranium bone hai jo usko bhi replace karna pada tha, they were massive depression, not able to move their body. By my meditations, by my experiments, they revived themselves. There are many evidences where girls or the boys, they could attract their love, everything, and they regained it. So there is practical application also. मैं बार-बार ये कहता हूँ कि अगर जिस दिन आपने अपने ब्रेन को चेंज करना सीख लिया, at that moment itself you will be able to change your life. And this is truth. There is evidences. अब तो बहुत सारे ऐसे evidences आ गए. Initially I was also surprised. क्या ये भी होता है? But yes, everything is possible. Whatever you can imagine, that is possible for you. तो लोग मेरे से कहते हैं कि मैं कितना कमा सकता हूँ, मैं अर्निंग की बात करूँ. एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा, हेल्थ के लिए भी आप सूट कर सकते हो, एनीथिंग. मैं कितना अर्न कर सकता हूँ? एंड आई से कि द लिमिट इज डिसाइडेड बाई योर माइंड. द बिगर यू कैन थिंक, बिगर यू कैन इमोशनलाइज, दैट यू कैन अचीव इन योर लाइफ. एंड द सेम इज ट्रू फॉर हेल्थ, सेम इज ट्रू फॉर रिलेशनशिप, same is true for spirituality, same is true for your career. So now, coming to the next point, what really stops us from the neuroscience perspective? That is emotional things, anxiety, stress, depression, frustrations, negative thinking, all those different things. So I have not taken negative thinking especially here, because negative thinking is not at all a problem. The negative feelings that comes with those negative thoughts, that is a problem. So now, coming to the point, कि हम इसको कैसे overcome कर सकते हैं? Dr. Piyush, I will tell you. Yes. Dr. Piyush, can you tell us the difference between the negative feelings and thoughts, because both are related to each other. If thoughts are coming, they are negative, it will create a negative emotions. Yes, that's true. So, sir, basically what happens, that thought comes from the neuronal activity and feeling comes from the chemical change that follows those neurological activities. It means if you're thinking a thought, it means it is a function of cognition, prefrontal cortex or the part of your brain. There are many complex circuit, amygdala, limbic system, nucleus accumbens also has some influence, hypothalamus also, by neurohormones impacts your thinking. So there is a lot of thing. So whenever there is some activity in the nerve cells, and that activity is not so simple, that is a complex activity of different parts of the brain that creates a thought. Ye thought hai. Aur ye thought problematic isliye hai because it gives us an unpleasant feeling. And how this does so? There is a humoral response, that was neuronal response, and now there is humoral response. That means there is a change in chemistry of our body. Maybe ki agar hum depression ko define kare, chalo depression ko dekhte hain aur happiness ko hum dekhte hain. So in happiness there is increase in chemical of serotonin, and in depression there is decrease in serotonin. Number two, there is increase in tachykinin P, substance P, and there is increase in cortisol. So, is tarah se hamara mind depressed ho jata hai.
तो जो केमिकल मॉडल डिप्रेशन का है, न्यूरोकेमिकल मॉडल जो है, वो ये कहता है कि एनी इमोशन इज नथिंग बट अ केमिकल चेंज ऑफ योर बॉडी एंड थॉट्स इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स जस्ट अ न्यूरोलॉजिकल फायरिंग विद इन योर ब्रेन. एम आई क्लियर? मैंने सिंपलेस्ट रखने की कोशिश की है. सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि देयर इज अ थॉट इमोशन लूप. जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग थोड़ी देर तक करो, आप देखोगे कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आने लगेगी. एंड व्हेन देयर इज नेगेटिव फीलिंग इनसाइड यू, व्हाट हैपेंस? देयर इज नेगेटिव थॉट्स इनसाइड यू. दिस नेगेटिव थॉट अगेन क्रिएट्स नेगेटिव फीलिंग एंड दिस नेगेटिव फीलिंग अगेन ट्रिगर्स नेगेटिव थॉट्स एंड दिस लूप गोज ऑन एंड वी आर ट्रैप्ड वेयर वी आर नथिंग बट अ विक्टिम. वी आर ऑलरेडी डेड. और यही वो रीजन है कि ह्यूमन बीइंग इस लूप को कभी तोड़ना ही नहीं चाहता, बिकॉज ही नेवर ट्राइज टू डू सो. ही जस्ट पुट्स विल पावर कि मैं इसे बाहर आ जाऊंगा. ही गोज टू सम ड्रग्स, टू सम केमिकल्स, एल्कोहल्स, ड्रिंक्स, एंड इन दिस वे ही डिस्ट्रॉयज हिज एनर्जी. बिकॉज यू कांट चेंज योर ब्रेन बाय दोज थिंग्स, बाय सप्रेसिंग. यू कांट विन समवन बाय फाइटिंग. You can definitely win his body, you can definitely win his kingdom, but you can't win his heart by fighting it. So you have to understand it deeply, and that is why I am here. I am talking on these vital topics because they actually can definitely shift your life. I promise you, if you can reduce your anxiety and frustration and stress by 20%, then your income will increase by 40% and the quality of your relationship will improve by 50%. So, are you all excited and are you all still connected with me? How many are connected? Type Y, yes. Okay. So, lot many people are with me. Thank you. I'm grateful to you all. चलिए अब इस पे हम बात करते हैं कि आखिर हम इसको काम कैसे कर सकते हैं. देयर आर मेनी मेथड्स. मैं आपको वो सारे मेथड्स बताऊंगा आज और थोड़ा सा करके भी दिखवाऊंगा, एक 8-10 सेकंड का, जिसके सहारे कि आप इसको कर सकते हैं. मैंने इन चीजों को बहुत ही सिंपल रखा है. व्हाई आई हैव केप्ट सिंपल कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकें. देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की ये होती है कि हमारे पास नॉलेज होता है लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते. और आपके लिए वो ही चीजें काम करेंगी जो कि आप करते हैं. मैंने एक बार अपने मेंटर से पूछा था कि आप इतना सक्सेसफुल हो, यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, यू आर मेकिंग लॉट ऑफ इंपैक्ट, व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू. तो उन्होंने बोला कि देर इज नॉट डिफरेंस इन नोइंग, द डिफरेंस इज ओनली एक्शन. यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट. सो लर्न टू एग्जीक्यूट. मैं बहुत ही सिंपल चीजें आपको बताऊंगा. ओके, नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट. Another point ये है कि देखा गया कि whenever there are negative emotions in our brain, what happens? The prefrontal cortex, which is the part of neocortex. Neocortex ये है कि हमारा brain basically reptilian brain से बना है जो कि अंदर रहता है, और इसके बाहर समय के साथ एक neocortex, नया brain बना. और नया brain बना, इसका reason ये था कि आदमी सोच सके, कुछ बड़ा कर सके, ideas create कर सके. इसीलिए सरप्राइजिंग नहीं है कि ओनली ह्यूमन बीइंग कैन एक्चुअली बी इन डीप इमोशनल थिंग्स लाइक लव, कॉम्पैशन. ह्यूमन बीइंग्स ही वो प्राणी है जो कि डिस्कवरीज कर सकता है, फिलॉसफी लिख सकता है, नए आइडियाज क्रिएट कर सकता है. इसीलिए उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. तो ये देखा गया कि जब भी हम नेगेटिव इमोशनल स्टेट में हैं, हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में, जो कि हमारे रेप्टिलियन ब्रेन का पार्ट है, उसमें एक्टिविटी तेज हो जाती है. एंड वेन एवर देर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी इन द एनिमल ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, हमारा जो नियोकॉर्टेक्स है, दैट शट्स डाउन. देन यू आर नॉट प्रोडक्टिव, यू आर नॉट क्रिएटिव, यू आर नॉट इंस्पायर्ड, यू डोंट हैव एनर्जी, यू कांट थिंक. एंड इस स्टेट में मैक्सिमम लोग हम अपने 80-90% टाइम को व्यतीत करते हैं. और हम कहते हैं कि मुझे तो एनर्जी नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मैं इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहा. हम ये कहते हैं कि मेरे दिमाग में आइडियाज ही नहीं आते, मैं क्या करूं. द रीजन इज वेरी सिंपल. यू हैव ट्रेन योर ब्रेन टू बी इन एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ऑल द नेगेटिव इमोशंस. एंड दिस नेगेटिव इमोशन क्रिएट्स नेगेटिव थॉट्स.
So there is a negative thought and emotion loop. So I'm going to tell you how to change it. Now, everybody is ready? So I've written 4-5 very simple techniques that you can use. जो लॉन्ग मेडिटेशंस हैं मेरे, वो मेडिटेशंस मेरे चैनल पे पढ़े हैं, मैं आपको वो नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको लिंक दिए जा रहा हूं कि आप वहां से लेकर उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो नंबर वन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज डीप ब्रीथिंग. ओके, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करें. मैं वो प्राणायाम की बात नहीं कर रहा, आप वो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको सिखा रहा हूं जिसको कि आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते. डीप ब्रीदिंग के ऊपर काफी रिसर्च की गई है. मैं जो आपको यहाँ पे सिखाऊंगा वो सिखा रहा हूँ 1-1-1 ब्रीदिंग. 1-1-1 ब्रीदिंग की खासियत ये है कि आप 5 सेकेंड तक इनहेल करो, 5 सेकेंड तक उसको रोको और 5 सेकेंड रिलीज करो. ओके, इट्स सो सिंपल, इट साउंड्स वेरी सिंपल एंड आई एम कीपिंग इट सिंपल सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. मैं दिन भर में कम से कम 30 बार डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करता. मेरे वीडियोस काफी उछल गए, उससे बहुत सारे रिस्पॉन्स आने लगे कि साइकेट्री की दवाइयां छूट गई. बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ने भी लिखा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लोग ऐसी ऐसी बातें क्यों बता रहे हो. बट द थिंग इज सिंपल इज द मोस्ट पावरफुल. डीप ब्रीदिंग की साइंस को मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी हम गहरी सांस लेते हैं उस समय में हम अपने लंग के लोअर पार्ट को फिल करते हैं. जो लंग का लोअर पार्ट है यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं. जब भी हम स्ट्रेस मोड में होते हैं हमारे ब्रेन का सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है. ये वही स्थिति है कि अगर एक चूहे के सामने एक सांप हो वो क्या करेगा, उसकी एक ही टेंडेंसी रहती है, या तो लड़ो या भागो या फिर फ्रीज कर जाओ, समर्पण कर दो. फाइट फ्लाइट और फ्रीज. और ह्यूमन ब्रेन की एक और खासियत है, चूहे की तो कम से कम एक खास बात है कि वो सांप को देखकर डरता है, और हमारा ब्रेन तो इतना पावरफुल है कि इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस जानता ही नहीं. हम इमेजिनेशन से ही अपने आप को डराते रहते हैं. एक कॉल आ गया, हम बाथरूम में और हमें लगता है अरे बॉस का कॉल होगा तो फिर से वो पूछेगा सेल्स हुआ या नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा. यू स्टार्टेड अ ट्रेन ऑफ थॉट्स एंड दैट ट्रेन ऑफ थॉट्स स्टार्ट्स फॉरिंग नेगेटिव सर्किट्स, नेगेटिव थॉट्स. हमारे थॉट्स हमें बीमार बना रहे हैं, हमारे थॉट्स हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, एंग्जाइटी दे रहे हैं, तो हमारे थॉट्स ही हमको ब्लिस भी दे सकते हैं, हैप्पीनेस भी दे सकते हैं, जॉय भी दे सकते हैं. तो जब भी हम सिंपैथेटिक स्टेट में रहते हैं वी हैव 3 ऑप्शंस, फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज. So whenever we are breathing deeply, we are shifting from sympathetic system, life-saving system, to parasympathetic system. यहाँ पे हमारे ब्रेन का निचला हिस्सा, हमारे लंग का निचला हिस्सा जहाँ पे कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये एक्टिवेट होते हैं. And these receptors actually activate parasympathetic system हमारे ब्रेन में, और हमारा ब्रेन रिलैक्सन की केमिस्ट्री को, हमारा ब्रेन रिज्यूविनेशन की केमिस्ट्री को फायर करता है. इस स्टेट में ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारी मुश्किल डिजीजेस ऑटोमेटिकली हील हो जाती है. मैंने ये देखा है कि ऐसे पेशेंट्स मेरे अपने सगे मौसाजी हैं, इफ यू वांट आई कैन गिव यू हिज नंबर. उनको डिप्रेशन की और बहुत ज्यादा स्ट्रेस की बीमारियां थी, और यहीं के डीवीयू के साइकेट्रिस्ट उनका इलाज कर रहे थे, डॉक्टर इचप्रीत. तो ये देखा गया वहां पे कि जब उनके साथ डीप ब्रीदिंग मैंने उनको सिखाई और उन्होंने कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस किया तो उनकी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो गई. Now he is full of joy, he is full of relaxation, he is full of energy. Second thing है कि guided imagery. जब भी ये देखा गया कि हम जब stress में होते हैं, negative emotions में होते हैं, हम अपने mind में कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ thought process अपने mind में रखते हैं. And this thought process creates again negativity. अब science का research ये कहता है कि the moment you shift it to something else, with that imagery shift, things start to change. कि अगर आपके माइंड में आप स्ट्रेस में हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, आप अपने माइंड के थॉट्स को देखें कि क्या आ रही है. अगर डराने वाली थॉट्स आ रही है उसी समय आप उसको चेंज करें. आप अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट को याद करें, आप वो मोमेंट याद करें जबकि आपको कोई अवार्ड मिला था, आप जो अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो कि आपको एंथुसियाज्म देता है, जो कि आपको पैशन देता है, एनर्जी देता है, आप उसको याद करें.
फोर्सफुली सिर्फ 20 सेकेंड्स तक याद करना है, इन 20 सेकेंड्स योर माइंड विल शिफ्ट फॉरएवर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आंखें बंद करें, फॉर 10 सेकेंड्स डू एन एक्सपेरिमेंट विद मी। प्लीज क्लोज योर आईज, एक गहरी सांस अंदर लेंगे, और जब हम अंदर लेंगे सांस तो ये इमेजिन करेंगे कि हमारा पेट एक गुब्बारे की तरह फूल रहा है। और जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो ये इमेजिन करेंगे कि हमारा पेट पचक रहा है। सो नाउ रेडी, टेक अ डीप ब्रीथ इन, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड 2, 3, 4, 5 एंड ब्रीथ अप, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्सिंग योर होल बॉडी। वंस अगेन टेक अ डीप ब्रीथ इन, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड 2, 3, 4, 5, ब्रीथ आउट 2, 3, 4, 5, वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड 2, 3, 4, 5, ब्रीथ आउट 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, be with your normal gentle breathing just for 5 seconds. Just for 5 more seconds, let's do a guided imagery. Only 5 seconds, you are sitting in a garden watching trees, watching butterflies dancing on the trees, you're watching flowers. Any natural scenery makes your mind relax. Wahan pe phal latak rahe hain. Just enjoy it. Just watch it. And in this state, last 5 seconds, take a deep breath in, 1, 2, 3, 4, 5, hold, 2, 3, 4, 5, breathe out, 2, 3, 4, 5, slowly releasing all the stress and tension. Slowly open your eyes. Now see, why you're feeling changed. Ab aap agar notice karenge, if you are alert enough, you will watch and you will see ki aapke thoughts bhi change kar chuke honge. Why there is a shift in the thoughts? The techniques are very simple. It all depends on your dedication to use it. Because until you dedicate your life to something, until you practice something, nothing is going to change your life. And my effort from this session is not to give you plenty of information, but to give you those tools actually which can empower your life and help you to explore the deepest reality of your life. So okay, now kitna time bacha hai Sandeep sir hamare paas, Dr. Saurabh? Abhi 11:55 hue hain, to abhi hamare paas hai 20 minute to aaram se hai. Last mein agar 20 minute hai. After that 10 minute last mein meditation hum kab karte hain? Okay, so I can take maybe another topic. Now, thing is, stress, anxiety and depression ke liye jo maine aapko bataya. Dr. Piyush, yes. Agar theek lage to kya hum kuch questions le sakte hain yahan pe? Ha, sure. Kuch ek do questions aaye hain, ek hamare viewer hain, wo pooch rahe hain how to reduce overthinking. Okay, exactly, very good thing. So आप उस टॉपिक पे मुझे ले ही जा रहे हो जहां पे कि मैं आज नहीं जाना चाहता था। ओवरथिंकिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर थॉट्स क्या है। बिकॉज इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर थॉट्स, देन ओनली यू कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ दोज थॉट्स। आवर थॉट्स इज कमिंग फ्रॉम आवर एनिमल इंस्टिंक्ट, जिसको कि स्पिरिचुअलिटी में या फिलोसफी में ईगो कहा गया है। It is coming from that part. Means
कि हम एक रेप्टाइल की तरह जी रहे हैं। एक रेप्टाइल का मतलब क्या है, एक चूहा या सांप को देखो, चूहा रेप्टाइल नहीं है सॉरी, एक रेप्टाइल मतलब कि आप एक सांप को देखो, वो कैसे जीता है, हमेशा डरा हुआ, हमेशा सहमा हुआ। उसकी लाइफ की एक ही प्रायोरिटी होती है कि वो अपने आप को जिंदा रखना चाहता है। देखो डीपली समझना, डीपली समझना इस कंसेप्ट को। इफ यू कांट अंडरस्टैंड इट डीपली यू विल नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ ओवरथिंकिंग। तो ये हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है जो कि गॉड ने हमें दिया है जिंदा रहने के लिए। इफ वी आर नॉट सेल्फिश, इफ वी विल नॉट प्रोटेक्ट आवर बॉडी, इफ वी आर नॉट लुकिंग फॉर सेफ्टी, वी विल नेवर बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज द बेसिक इंस्टिंक्ट। नाउ पहले सिचुएशन अलग थी कि जंगली जानवर थे, शेर के साथ हमें रहना पड़ता था, तो वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू कंटिन्यूसली लुक फॉर डेंजर। बट सिचुएशंस चेंज्ड, लेकिन हमारी हैबिट्स हमारे ब्रेन की वही रहेगी। हमारी हैबिट वही रह गई कि उसी तरह से थॉट्स को देखो, उसी तरह से थॉट्स को अपने ब्रेन में फायर करो। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? नाउ द सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडिंग। जो मेरी ओवर थिंकिंग की एक वीडियो है मैंने बनाई है, बहुत ही प्यार से बनाई, आप मैं चाहूंगा वो भी देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव टू डेवलप एन अवेयरनेस, बिकॉज न्यूरोसाइंस का रिसर्च ये कहता है कि व्हेनेवर यू आर अवेयर, जिसको कि एक और टर्म दिया गया है, दैट इज माइंडफुलनेस। माइंड नॉट फुल, माइंडफुल इट मींस वी आर विद माइंड। तो जब हम माइंडफुल होते हैं अपने थॉट्स के लिए, अपनी इमोशंस के लिए, ये जो ओवर थिंकिंग वाले, जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो प्रिमिटिव सर्किट्स हैं, जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं फियर के, दे स्टार्ट ब्रेकिंग, दे स्टार्ट कोलैप्सिंग by the law of pruning, pruning of synaptic connections happen. तो number one चीज जो आपको करनी चाहिए overthinking अगर हो रही है, you should practice mindfulness. क्योंकि the bandwidth with which you are born, the energy that is in your hand, that is being wasted in thinking. So I think you all are aware of meditations and you must be practicing meditations. So meditation is an excellent tool. Whenever you practice meditation, you become aware of what is happening. And with awareness, lot of things change. Quantum physics ka bhi research ye kehta hai ki the moment of observation of something, that elementary particle undergoes a positive change. Usi tarah se agar hum apne thoughts ko ek baar dekhna shuru kare, allowing our thoughts to be as it is, in that moment, deep insights open. Insight ye ho sakti hai ki hume darne ki zarurat nahi hai. You are already safe. Your earning is already safe. अगर कोई चैलेंज आएगा तो तुम मुकाबला कर लोगे। In that condition, the useless thoughts which are being fired from our brain, that stops immediately. So this is the number one to mindfulness you should practice. Second is write your thoughts. मैं बीच में एक बार बहुत disturb था, सिर्फ दो ढाई साल पहले। There was a big challenge in my life. तो at that moment, I was not able to observe my mind because there was not even enough presence energy. Us condition mein I started writing my thoughts. So what you are doing actually is you are bringing something from your mind onto the paper. And there is a magic that happens every time you touch your paper with your pen. Agar magarmach paani mein hai, it is very powerful. But jab wo jameen pe hai, to uski shakti kam ho jayegi. So start writing your thoughts. This is the number two things. Number three is you sit in nature. We all are made up of different elements. Chiti, Jal, Pavak, Gagan, Samir, air, water, sky. But we are away from the nature. And since we are away from the nature, so we are not connected to the universal energy. The energy that gives us security, the energy whose responsibility is to feed our belly, whose responsibility is to give us creative thoughts, and whose responsibility is to empower us. So when you are sitting in nature, you are taking all those energy from the sky. Vayu tattu le rahe hain, jameen tattu le rahe hain. To jab hum is tarah ki energy ko lete hain, to aap ye dekhenge ki aapka mind dheere dheere shant hone laga hai. Ek aur experiment jo ki main apne workshop mein apne logon ke saath karta hu, jab bhi main mindfulness pe baat karta hu, to ki aapki thoughts हमेशा इम्पावर होना चाहती है। जब आप उसको बल देना कम करते हैं तो वो वहीं पे रुक जाती है।
यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि ये कहता है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है और कोई भी चीज कंटिन्यूसली एक्शन में नहीं रह सकती, देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन। आपके थॉट्स के साथ भी यही है, हम अपने थॉट्स को आगे बढ़ाते रहते हैं, अननेसेसरी पोटेंशिएट करते रहते हैं और हम नए नए थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं। सो ब्रायन ट्रेसी ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा अच्छे से किया और उन्होंने इसके बारे में बात की है। आप किसी कमरे में बैठ जाएं और आप मोबाइल फोन अपने साथ ना रखें, कुछ साथ ना रखें और बस बैठ जाएं, कुछ ना करें, कभी अपने बॉडी पर अटेंशन रखें, कभी जो सामने देख रहे हैं उसको देखें, यू विल फाइंड कि 30 मिनट्स में आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली सेटल करने लगेंगे। सो दीज आर द टेक्निक्स, प्रैक्टिकल टूल्स, डेफिनेटली गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी गुड डॉक्टर। ये थॉट्स के ऊपर डॉक्टर पीयूष आपने जो बताया कैसे हम अपने जो थॉट्स की रेपिटेशन को रोक सकते हैं, इट्स रियली अमेजिंग। यस यस यस। एनी मोर क्वेश्चंस? कुछ और क्वेश्चंस हैं तो उनको ले लेते हैं। राइट एक क्वेश्चन और आया, लेकिन क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है। वो क्वेश्चन के जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं नेचर और नर्चर के बीच पूछ रहे हैं, एनवायरनमेंट ज्यादा जरूरी है, कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एनवायरनमेंट और अवर जीन्स जेनेटिक्स, तो दोनों में से कौन सा चीज ज्यादा हैवी करता है हमारी नेचर के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर? Again, you are triggering different thing for me, जो कि मैं बात नहीं करना चाहता, because these are very long topics. There is a concept called epigenetics. Very long topic. ये debate तो हजारों सालों से कर। Anyway, I will try to. It's your choice, Dr. Piyush. अगर आप इसको answer देना चाहते हैं कि चलो मैं बताता हूँ इसको। टू कहता है ना, वो रिसर्च ये कहता है कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। वो एक और ब्लूप्रिंट है ब्रेन के अलावा, वो ब्लूप्रिंट है हमारी न्यूक्लिक एसिड डीएनए। इस डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं और इस तरह से मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीन्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जीन्स फंक्शंस क्रिएट करती हैं थ्रू प्रोटीन्स। नाउ आपके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी है, आपके अंदर कैंसर के भी जीन हैं, आपके अंदर कैंसर को रोकने के भी जीन हैं, आपके अंदर स्लिम दिखने के भी जीन हैं, आपके अंदर मोटे होने के भी जीन हैं, आपके अंदर ब्रिलियंट होने के भी जीन हैं, आपके अंदर ब्रिलियंट नहीं होने के भी जीन्स हैं। देयर इज अ लिटरेचर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन ऑफ डिजीज। मैं चाहता हूं कि हर कोई इसको विजिट करे। वहां पे ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि मेडिकल साइंस डिफाइन नहीं कर पाया। मींस कि एड्स पेशेंट जो कि पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गए, हेपेटाइटिस बी के टर्मिनल पेशेंट्स वो रिकवर कर गए, बहुत सारे लैरिंजियल कार्सिनोमा जो कि थर्ड स्टेज में था, देयर वाज मेटास्टेसिस एंड पेशेंट रिकवर्ड। तो दीज एक्सपेरिमेंट्स शो व्हाट, ये दिखाती हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी तो है लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटी को यूज करने की क्षमता नहीं। सो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ एपिजेनेटिक्स, जो कि नेचर और नर्चर के बीच में आप बात कर रहे हैं। हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग है, बेसिक प्रोग्रामिंग है, लेकिन हम इसको कैसे ट्रिगर करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट। कहने का अर्थ ये कि जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं वही एनवायरमेंट हमारे जीन्स पे इम्पैक्ट डालता है। बट एक और एक्सपेरिमेंट देखी गई कि एक ही एनवायरमेंट में दो भाई रहते हैं, एक चोर बन गया और एक साधु बन जाता है। एक ही एनवायरमेंट में दो बहनें रहती हैं या दो दोस्त रहते हैं, एक टॉपर बन जाता है और एक फेलियर के रिकॉर्ड्स बना लेता है। सो नाउ देयर वाज डेफिनेटली अ डिबेट कि क्या एनवायरमेंट सच में ट्रिगर करता है। तो अगेन उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो देखा गया कि हमारे अंदर एक इनर एनवायरमेंट है, हमारे अंदर का एनवायरमेंट, कि हम अपने अंदर में किस तरह के एनवायरमेंट को रखते हैं, मींस इमोशंस। अगर हमारे इमोशंस पॉजिटिव हैं तो हमारे जीन पॉजिटिवली काम करते हैं। सो सिंपल, एपिजेनेटिक्स इन वेरी सिंपल लाइंस।
और हमारे अंदर अगर नेगेटिव इमोशंस हैं तो हमारे जितने भी नेगेटिविटी वाले जीन्स हैं वो फायर हो जाते हैं एंड ऑल द जीन्स एंड कॉम्बिनेशंस आर विद इन अस. सो टू समराइज इन अ सिंगल सेंटेंस, नेचर इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, आवर एनवायरमेंट इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन नेचर और एनवायरमेंट इज हाउ वी टेक थिंग्स इनसाइड, हाउ वी प्रोसेस इट थ्रू आवर माइंड, हाउ वी प्रोसेस द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ एंड वॉट मीनिंग एंड वॉट डेफिनेशन वी गिव इट फॉर आवर लाइफ. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और कोट करना चाहूंगा कि दो स्टूडेंट थे, एक बहुत बड़ा टॉपर था, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी स्टेज पे, उनसे लोगों ने पूछा कि आप इतना अच्छा कैसे कर गए. उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पिताजी शराबी थी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, मैं ये ना करता तो और क्या करता. और एक दूसरा आदमी था, एक कैदी है जो कि जेल में, जिसको फांसी की सजा मिलने वाली थी, उसने बहुत सारे क्राइम किए, जब उससे पूछा गया तो उसका जवाब भी यही था कि मेरे पिताजी शराबी थे, मेरी माँ ने मुझे डिजर्ट कर दिया, मैं ये ना करता तो क्या करता. इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, हम उस एनवायरनमेंट को, हम उस इवेंट को क्या मीनिंग देते हैं, दैट डिसाइड्स आवर लाइफ. सो एम आई क्लियर सर? यस यस डॉक्टर पीयूष, वेरी ब्यूटीफुल. हाउ वी प्रोसेस एनवायरनमेंट, वेरी फाइन. Right. So, okay. So, coming to next topic, जो छोटा सा एक मैं लेना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट शायद हैं. In 10 minutes, I would like to finish it out, क्योंकि ये भी हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है. Having a goal. आप सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम अपने गोल को कैसे सेट करें. जो ओल्ड एज के पर्सन हैं उनके मेरे पास कॉल आते हैं. अभी एक आदमी मुंबई से आ रहे हैं मिलने के लिए, तो कहते हैं कि अब क्या मैं 60 साल की उम्र में क्या गोल रखूं, तो क्या हमारे लाइफ का क्या गोल होना चाहिए, स्पिरिचुअल गोल क्या है, क्या गोल सेटिंग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है. तो इन सब पे मैं एक छोटा सा आपको एक नटशेल टॉक मैं देना चाहता हूं. ओके, गोल्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे हम 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, 1 साल के हैं, या फिर हम 100 साल के हैं, इफ यू आर अलाइव It means you must have a goal. Khalil Gibran इस बात को कहते हैं, If you are not growing, you are decaying. अगर हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम डिके कर रहे हैं, सड़ रहे हैं. तो कहने का अर्थ ये कि गोल का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि पैसे कमाना, बॉडी बनाना, अमीर बनना. गोल का मतलब ये भी होता है कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका एक खाका. अगर कोई 60 साल का आदमी है, वो ये कहता है, जैसे कि मैं उनके एग्जाम्पल को ही लूंगा, मुंबई वाले जो मेरे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने पैसे कमा लिए, मैंने बच्चों की शादी कर ली, तो क्या मेरी लाइफ ओवर हो गई? नहीं, स्टिल देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर यू. और अगर आप जिंदा हैं तो लाइफ आपसे अभी भी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है. आप इस दुनिया को कुछ दे सकते हैं, आप कोई अस्पताल खोल सकते हैं, आप कोई ऐसी किताब लिख सकते हैं जिसके सहारे के लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप कोई ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं, या आप किसी आर्ट को इतना डेवलप कर सकते हैं कि लोग आपके लिए थैंकफुल हो जाएं. आप अपनी लाइफ को इतना लंबा कर सकते हैं संयम के सहारे कि आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएं. आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, इंस्पायरिंग पीस ऑफ लिटरेचर क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि लोग आपकी वाहवाही ना करें बल्कि आप सीखें. नॉट अबाउट ईगो बट अबाउट सर्विस. दिस इज द गोल. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना गोल ये बनाना चाहिए कि मैं एडुकेशन में कितने मार्क्स लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्यों करना चाहता हूं. और अगेन आई डोंट नो व्हाई कनेक्शन इज अनस्टेबल टुडे, आई डोंट नो. ओके एनीवे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने गोल को इस तरह से सेट करें कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. क्योंकि जब भी आप अपने माइंड को एक गोल देते हैं, आपका माइंड उसी समय एक्टिवेट हो जाता है. और हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दैट सिस्टम इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग योर गोल. आखिर सोचो इतना बड़ा हमारे ब्रेन का हिस्सा
I think there is some connectivity problem with the Dr. Piyush. Dr. Sandeep, आपने डॉक्टर जो डिस्पेंजर को पढ़ा है क्या? बिल्कुल, उनको तो हम ये पढ़ना शुरू करते हैं तो वहीं से शुरू होती है नर्सरी हमारी. तो डॉक्टर जो डिस्पेंजर जब न्यूरोप्लास्टी के बारे में बात करते हैं, और आई थिंक ही इज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उस चीज को जो नॉन था उसको साइंटिफिक ढंग से उसको स्टडी करना शुरू किया, और आज दुनिया में उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं. और मैंने भी आपके जो टॉक थी और अपने बुक का जो रिव्यू किया था, आई हैव सीन दैट आल्सो. यस, तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा का रोल है इन सभी जी बातों पर रिसर्च करने के लिए वर्ल्ड वाइड. वन वीक 10 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप में उनके न्यूरोकेमिस्ट्री पर, उनके न्यूरोकेमिकल के रिलीज पे, उनके ब्रेन वेव पे स्टडी करना, तो वी आर थैंकफुल टू हिम फॉर फर्स्ट हैंड रिसर्च. और वो बातें हमें आसान भाषा में डॉक्टर पीयूष से सुनने को मिल रही है. थैंक यू, थैंक यू. यस डॉक्टर पीयूष, सॉरी सर, आज पता नहीं क्या थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. ऐसा होता तो नहीं है यूनिवर्सल? डोंट से सॉरी डॉक्टर पीयूष, ये एक नेचर का होता है, हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं. सम थिंग्स आर नॉट इन अवर हैंड. डेफिनेटली, पता नहीं आज ही पहली बार, फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग इन 2-3 मंथ्स. आई डोंट नो, इट्स ओके. ओके, तो मैं कह रहा था कि रिगार्डिंग द गोल सेटिंग, कि हमारे ब्रेन में एक हिस्सा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. द मोमेंट वी थिंक अबाउट अ गोल, वी मेक अ क्लियर गोल, इट गोज टू अवर पैराइटल कॉर्टेक्स. And from the parietal cortex, the information is conveyed to what? Conveyed to reticular activating system. Or reticular activating system ka ek hi kaam hai, nai nai resources ko dhoondhna, nai nai cheezon ko dhoondhna, jisse ki hamare goal ko reality mein change kar sake. Kai baar aapne dekha hoga ki aapke sir mein headache hai, ya phir aap exam dene ke liye ja rahe the, aapke paas pen nahi tha. और आपको सारे रास्ते में पेन की दुकानें दिख रही थी, स्टेशनरी की दुकान दिख रही थी, और द मोमेंट आपने पेन खरीद लिया, आपको दुकानें दिखनी बंद हो गई. कहने का अर्थ ये कि सारी चीजें इनविजिबल में ऑलरेडी आपके पास हैं. जो भी रिसोर्सेज आप चाह रहे हैं, आप पैसा चाह रहे हैं, आप संपत्ति चाह रहे हैं, आप मैन पावर चाह रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए स्पिरिचुअल टीचर्स चाह रहे हैं, आप बुक राइटिंग के लिए मेंटर्स चाह रहे हैं, आप एनवायरमेंट चाह रहे हैं, everything is already with you, but the only thing is goal setting is the process that makes invisible visible by our reticular activating system. So I urge all of you with respect ki aap goals banaye. Agar aap spirituality mein hi hain to aap apne goals banaye. Spiritual logon ko ek maine dekha hai ki chote se rehte hain wo illusion mein, nahi mujhe to kuch nahi karna, I will follow my intuition. Definitely follow your intuition, but पहले अपनी intuition को तो मजबूत तो बनाओ, it can guide you, so that it can communicate with you. और उसके लिए हमें क्या करना है? जब मैं आश्रम में रहता था थोड़े दिन के लिए, I was not a monk, was living in ashram for some time for learning. हम सब जाते हैं वहाँ पे. तो the thing is, he says you कि make a habit, make a goal of sitting in meditation for 2 hours, for 3 hours. मन ना करे तो भी बैठो, बिकॉज इनिशियली इट इज डिफिकल्ट, बट विथ प्रैक्टिस इट विल बिकम ऑटोमेटिक फॉर यू. सो द थिंग इज कि आप कहीं भी हैं, कभी भी हैं, किसी मोड पे हैं, आप अपने लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग गोल बनाइए. क्योंकि कभी भी अगर आप अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं जी पा रहे हैं, आपके गोल्स छोटे हैं और आपकी पोटेंशियल यहाँ है, यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड. और अगर आपके गोल्स यहाँ हैं और आपकी पोटेंशियल यहाँ है, अगेन यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड. This is the law of nature. Potential and goal, they must be in balance. इसलिए आज बहुत सारे आप देखेंगे actors जो कि successful हैं, they are earning well, they are secure, they are taking antidepressants. बहुत सारे ऐसे businessmen who are on the peak, they are just committing suicide. Why? Because they don't have a meaning in their life. वो अपने life की meaning को lose कर चुके हैं. How to gain a meaning in the life? They can gain the meaning in life by creating a meaningful goal. I'm not saying any goal, meaningful goal. तो ये मेरा अर्ज है कि आज ही आप गोल बनाएं
उसमें कुछ और टिप्स मैं देना चाहता हूँ. योर गोल मस्ट यस डॉक्टर पीयूष यस यू आर सेइंग इंटरेस्टिंग गोल मीनिंगफुल गोल यस यस मोर यस यस श्योर दैट इज व्हाट आई एम डूइंग इज बिकॉज आई एम गोइंग वेरी फास्ट क्योंकि टाइम बहुत कम है. सो इन 4 मिनट्स आई विल वाइंड अप एवरीथिंग. तो इस गोल को जब भी हम यूनिवर्सल पर्पस से कनेक्ट करते हैं, मैं अपना गोल ये बना सकता हूँ कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ और से खूब पैसे कमाऊँ. दैट कैन बी माई गोल बट दैट विल नॉट हैपन फॉर वेरी लॉन्ग. बट वेन आई कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल सर्विस कि नहीं, इससे मुझे इतने लोगों को सर्व करना है, इनकी लाइफ में इम्पैक्ट करना है, इनकी लाइफ में एनर्जी क्रिएट करनी है, दैट एनर्जी विल बी बाउंस्ड बैक एंड आई विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. नंबर वन. नंबर टू इज whenever you are making goals, always try to make it meaningful. Meaningful कैसे बना सकते हैं? You can make it meaningful by connecting it to your values. Values means what is important to your heart, what your heart really wants to achieve. Make your goals in that direction. उदाहरण के लिए अगर मैं एक painter हूँ और मैं ये goal बना लूँ कि मुझे एक अच्छा scientist बनना है, I can become a scientist by practice, but that will not give a meaning to my life. So again, I'm a failure for, I'm successful for the world, but failure for myself. So what you need to do is, you need to find your own meaning. What actually makes your heart sing and dance? Accordingly, in that field only, you have to create your goals. And third thing, you have to break your goals into smaller parts and you have to start acting. So, आज ही एक एक्सपेरिमेंट करें जो कि मैं चाहता हूँ वर्कशॉप के तुरंत बाद आप करें. एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाएं और आप ये डिसाइड करें कि मेरे लाइफ में अगर 100 चीजें मुझे अचीव करनी है तो क्या होंगी. डोंट टेक एज योर लिमिटेशन, एज एज योर लिमिटेशन और सेक्स एज योर लिमिटेशन और इनकम एज योर लिमिटेशन, नथिंग. आप बस लिखें मुझे ऑडी कार चाहिए, मुझे कहीं घूमना है, मुझे लोगों के बीच में बोलना है, मुझे अनाथ आश्रम खोलना है. इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ ranging from personal goals to the service goals. Write it out and read it daily. And trust me, your brain has got amazing capacity. In the time, it will get imprinted in your brain and you will never know when it becomes your reality. Thank you. Dr. Piyush, aapne meditation bhi karana hai. Okay. So... डॉक्टर पीयूष, इससे पहले हम, क्योंकि मेडिटेशन के बाद सभी लोग एकदम ध्यान में चले जाते हैं, तब कुछ चीजें रह जाती हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उससे पहले, थैंक यू वेरी मच. आपका जो सेशन था, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव. हम सब ने इससे बहुत कुछ पाया. और जो आपने सिस्टमेटिकली अपने 10-15 मिनट के जो टेक्निक समय बताई हैं, वो हमारी लाइफ में और सब जो हमारे दर्शक हैं, हमारे दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, वो लंबे समय तक अपने साथ उसको कैरी करेंगे. जैसे आपने थॉट्स के बारे में बताया, नेचर नर्चर के बारे में बताया, फिर आपने जो सबसे बढ़िया गोल के बारे में बताया, कैसे आप गोल क्रिएट कर सकते हैं, गोल का एक पर्पसफुल गोल बना सकते हैं, एक मीनिंगफुल गोल बना सकते हैं. बहुत बढ़िया बात थी, क्योंकि हम गोल्स बहुत ज्यादा बना लेते हैं और उस गोल से अटैच नहीं होते हैं, उस गोल के साथ अपनी एनर्जी नहीं देते, उस गोल को हम रियलिस्टिकली उसको विजुलाइज नहीं करते हैं, इसीलिए वो जो गोल्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं. और आपने कितनी सुंदर तरीके से बताया कैसे हम उस गोल को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उस गोल को अपनी लाइफ के एक पर्पस दे सकते हैं. बहुत बढ़िया डॉक्टर सौरभ, हम चाहेंगे फिर से आप हमारे चैनल के ऊपर एज ए गेस्ट आए, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक है, आप जब मैसेज पढ़ेंगे तो उन्होंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं मुझे प्राइवेटली भी, डॉक्टर पीयूष को एक बार और बनता है चैनल के ऊपर. और सर, ये इट विल बी माय फॉर्च्यून, आई विल डेफिनेटली, मैं दौड़ना चाहूंगा. एंड हमने बहुत बार फोन पे बात की, मैं एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मेडिटेशन में जाएंगे. आज से लगभग, जैसे हमने एज की बात की, एज इज नॉट a hindrance to a goal. Nothing. मैं इसी के ऊपर बोलना चाहता हूँ मैं. तो लगभग 1 महीना पहले हमारी पूरी फैमिली को कोविड हो गया. तो my father got very serious. वो बहुत सिक हो गए, बहुत कमजोर हो गए और एकदम से इतनी कमजोरी आ गई, जैसे सोचिए अब हमें 6 तारीख को डायग्नोसिस हुआ, 6 अगस्त को, और 4 अगस्त को साइकिलिंग करके आए थे और 7-8 अगस्त को चल भी नहीं पा रहे थे, इतनी कमजोरी आई और इतना सीरियस थे, और इट इज डिफरेंट स्टोरी. तो एकदम उनकी बातों में कुछ ऐसा लग गया,
अब क्या पड़ा हुआ है, जिंदगी खत्म हो गई है, अब संदीप बस ठीक है, कोई बात नहीं, जिंदगी देख ली है, कोई बात नहीं है। मेरे ब्रदर को भी वैसी वैसी बातें करने लग गए। तो मैं और मेरे ब्रदर दोनों बहुत डिप्रेस्ड हो गए, बिकॉज आपके फादर और मदर आपके लिए दुनिया होती है। वो डाटा जब हम दिखाते हैं 0.2% मोर्टेलिटी है, वो दुनिया के लिए है, लेकिन जो एक आदमी हमारी जिंदगी का होता है, हमारे लिए वो दुनिया होता है पूरी। तो हम दोनों भाइयों ने डिस्कस किया क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो हमने अपने फादर के लिए एक पर्पस क्रिएट किया। तो बहुत देर से उनको बोल रहे थे, क्योंकि उनको लिखने का और सिखिज्म के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर बहुत शौक है। लेकिन वो लिख लिख के बुक्स भर रहे थे, लेकिन हमने उनको बहुत देर से बोल रहे थे आप इसको बुक बनाइए, ये कीजिए, वो नहीं कर रहे थे। तो फिर से हमने बोला बुक बनाइए, तो बोले नहीं यार, अब खत्म हो गया, कुछ नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। तो हमने एक छोटा सा काम किया, हमने उनका हर संडे एक वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और उस वीडियो को उनका खुद का यूट्यूब चैनल बना दिया, उस वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया यूट्यूब के ऊपर। जब यूट्यूब पे डाला, तो उनके जो दोस्त थे पुराने, उनके पास से मैसेज आने लग गए, उनको खुद को मोटिवेशन हो गया। अभी वो हर सैटरडे खुद पगड़ी बांध के खुद बैठ जाते हैं, हाँ मेरा वीडियो बनाना है। तो दिस इज अ थिंग, कैसे पर्पस क्रिएट कर सकते हैं। ये भी उनका खुद का पर्पस है। दो हमने थोड़ा सा उनका हेल्प किया, लेकिन ये मैं इस बात से आपसे बहुत एग्री करता हूँ, लाइफ में जो पर्पस है वो आपको जीने का एक जरिया देता है। एक पर्पस आपको लंबी जिंदगी जीने का एक स्रोत बनता है। मेरे एक दो चार पहचान के दोस्त हैं, दोस्तों ने काफी एज्ड हैं, एक दोनों के एज 75-80 है। सॉरी हम थोड़ा सा एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये शेयर करना चाहूंगा मेडिटेशन से पहले, ताकि और दर्शक जान सके जो डॉक्टर पीयूष जो बात कर रहे थे, उस बात में कितना दम है और कितनी रियलिटी है। वो सिर्फ थ्योरी नहीं है। अगर हम, जैसे डॉक्टर पीयूष ने बोला, अगर हम चीजों को सिर्फ जानते हैं और एक्शन में लेके आ रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो नॉलेज का कोई यूज नहीं है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो उनमें से एक आदमी ऐसा था जो 75 इयर्स का, मैं जानता हूँ, उससे जाओ उनसे पूछो क्या हो गया, बस जिंदगी जी ली, अब तो वेट कर रहे हैं भगवान आके ले जाए, इस तरह से बातें करते हैं। और दूसरे आदमी है, तो वो उसको हम आशिया जी बोलते हैं, हमारे शहर की है। जब भी उनके पास जाओ तो उनको होता है, अरे मुझे आई कैंप लगाना है, अरे वो सिलाई वाली लड़की है उनका हमने सेंटर चलाना है, अरे ये खत्म हो गया है, अरे इसकी फंड के लिए हमें ये चार लोगों के पास जाना है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, महाशय जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, यंग रहते हैं, और जो दूसरे वाले कहते हैं बस जिंदगी खत्म हो गई है, उनके उसको पर्पस नहीं है, कल के लिए कुछ नहीं है, वो बहुत जल्दी डिटेरियरेट होते गए, उनके ब्रेन जो सेल्स हैं वो भी वीक होते गए। तो डॉक्टर पीयूष, आपने ये दो एग्जांपल मुझे याद करवा दी, तो मैंने ये एग्जांपल शेयर कर ली, ये हमारे मेनू में नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच अगेन ऑन बिहाफ ऑफ स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप जो होते हैं, डॉक्टर सौरभ रंजन, थैंक्स यू। और अभी हम डीप मेडिटेशन में जाएंगे। मैंने आपकी मेडिटेशन यूट्यूब पे सुनी है और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, और जब भी कभी लो फील करता हूँ तो वो मेडिटेशन को सुनता हूँ, और मैं चाहता हूँ आज हमारे दर्शक हैं, दोस्त हैं, वो भी इस चीज का लाभ उठाएं। ओके श्योर, 30 seconds टाइम और लूंगा। मेडिटेशन की बात हो गई, नए नए टॉपिक्स निकलते जा रहे हैं, थॉट की आई विल टॉक ओनली ऑन माइंड। तो जस्ट 30 seconds, मेडिटेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल, और जो मैंने अपना रिसर्च किया है, वो रिसर्च किया है हाउ टू यूज मेडिटेशन टू मोल्ड द ब्रेन एंड क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट टू लिव। तो मेडिटेशन को मैंने इतना सिंपल बनाया है, इतना इजी बनाया है, ताकि उसको हर कोई प्रैक्टिस कर सके, एंड एवरीवन कैन गो इनटू डीप मेडिटेशन। तो एक छोटा सा सैंपल मैं आज आपको उसका पेश कर रहा हूँ, सो बी विथ मी। आंखें बंद कर लें, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। Allow your body to become totally relaxed. Take a deep breath in and slowly breathe out, relaxing every cell of your body.
allow your body to relax completely. Meditation starts only when your body and mind is relaxed. सबसे बड़ी मिस्टेक मेडिटेशन की ये है कि हम कभी रिलैक्स नहीं करते और इसके कारण हम मेडिटेशन में एंटर नहीं करते. अगेन टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली ब्रीथ आउट, रिलैक्सिंग योर होल बॉडी कंप्लीटली. रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली. Focus on your back muscles. Become aware of all the sensations of your back. Allow the sensations to be the way they are. Allow the stress and any muscle contraction to be the way it is. Just enjoy this moment. Enjoy this moment. Focus on your thighs. And hips. Keep your attention there only. Just relax your body completely. Allow your body to become more and more relaxed. Become aware of the sounds of the surrounding. Maybe some birds are crisping. Maybe some sounds from television is coming. Maybe somebody is fighting and shouting. You are not that sound. Just witness it and allow it to be the way it is. Meditation means allowing life to be the way it is. Allowing life to be the way it is. The greatest secret of neuroplasticity is meditation. Maybe someday we will talk on this, but for now, just focus your attention on your body sensations. And now, become aware of your breathing. Become aware of your breathing. Watch your breath. Whatever is coming, let it come.
just allow things to be the way they are. The more you try to create an altered state of consciousness, more you are creating stress for yourself. Focus on your breathing. Focus on your breathing. And now, place your right hand above your heart. And see how blessed you are. How much God has given to you. Perhaps you have a body. Perhaps you have a working heart and lungs. There are many people who couldn't see the sun of today morning. There are many people who will die today. You are lucky. Thank God from the bottom of your heart. Thank God from the deepest corner of your being. Perhaps you have something to eat and a dress to wear. There are guys who don't have a house, who don't have a dress, who have nothing to eat. Even if they get food once a day, they celebrate it. Thank you, God, from the bottom of my heart for blessing me everything, blessing me with everything. Thank you, God. Thank you, God. Love life for no reason, and life will love you always. Thank you, God, from the bottom of my heart. Keep on feeling these positive vibrations and focus again on your breathing. With every breath, this sensation is becoming stronger and stronger, and you are feeling more energetic, more strong, and more peaceful. Allow your body and mind to be totally synchronous. Enjoy these blessings. Enjoy this bliss. Thank you, God, from the bottom of my heart. And 2 more minutes. If mind deviates
let it deviate. Whenever you are alert, bring it back to your breathing. Meditation doesn't mean a struggle, forcing your mind to be on something. Just bring it to the breathing and leave. If it wants to get away, let it get away. Wherever it wants, let it be. The best beauty of meditation is that it is always effortless. Meditation is effortless. Last 1 minute. Enjoy your breathing. Enjoy your body. Enjoy the noises around you. Enjoy the feelings within you. Until you love your pains will not disappear. Last 30 seconds. Let your mind be wherever it wants. Don't try to control it. Let it be. Last 5 seconds. Keeping your eyes totally closed. Meditation is nothing but an inner journey, and that journey is effortless. Without any map, just you surrender to the divine, trusting that you are fully protected and safe. And place both your hands above your eyes. Let it be as long as you are not comfortable with the outside. Focus outside. Listen to outside voices. Don't be in a hurry. And now, whenever you are comfortable, slowly open your eyes. The best method is, don't be in a hurry to enter meditation, and don't be in a hurry to come out of meditation. Slowly open your eyes.
वाओ डॉक्टर पीयूष, हॉस्पिटल में आपके अंदर जो पेशेंट होते होंगे वो तो आपके आपकी इस मेडिटेटिव अप्रोच से जल्दी ठीक होते होंगे, आई एम श्योर। थैंक यू। अगर आपकी तरह सभी सर्जन अगर मेडिटेशन करने और कराने लग जाए तो ह्यूमैनिटी का हेल्थ कितना बेहतर हो जाएगा। सर, द रियल सीक्रेट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जो सबसे बड़ी चीज है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करती है वो है मेडिटेशन। जो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसके सहारे कि हम अपने पेनफुल मेमोरीज को हटा सकते हैं, दैट इज मेडिटेशन। द बिगेस्ट सीक्रेट थ्रू विच वी कैन हील आवर बॉडी इज मेडिटेशन। सो आई एक्सप्लोर्ड दिस पावर फर्दर एंड आई डायरेक्टेड इट टू क्रिएट द रिजल्ट्स दैट आई वांट और माय क्लाइंट्स वांटेड एंड फॉर द हेल्प ऑफ कॉमन मैन सो दैट दे कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट्स।